टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आज के समय में हम सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन टेक्नोलॉजी का नाम सिर्फ हम उनके इंग्लिश नामों से ही जानते हैं, उनका हिंदी में एक्चुअल क्या मतलब होता है वो किसी को नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं किसी को नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ही टेक्नोलॉजी वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में उनका हिंदी में मतलब बताने वाला हूँ, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे और जान के आप लोग हैरान रह जाओगे और हंसोगे कि ऐसा भी कोई नाम होता है। तो अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो गाइस, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस घंटी पे भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और रोजाना आप अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा इंटरनेट तो आप समझ जाओगे कि इंटरनेट क्या है, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी मतलब है वो शायद आपको पता नहीं होगा। तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी वर्ड है जिसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब होता है भूजाल। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में हिंदी में इंटरनेट का मतलब होता है भूजाल। तो देखा, भूजाल थोड़ा सा वर्ड सुनने में कितना अजीब लगता है। तो अगर मैं आपको इंटरनेट बोलूं तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं आपको भूजाल बोलूं तो शायद आप नहीं समझोगे। तो कोशिश करना, अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज करने के लिए शॉप पे जाते हो तो उससे एक बार बोल के देखना, भैया भूजाल रिचार्ज कर दो, उसका रिएक्शन देखना। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर का नाम तो सुना ही होगा और शायद आपको पता भी होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन इसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब बहुत ही ना के बराबर लोगों को पता है। मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने रिसर्च करा तब मुझे पता चला। तो सॉफ्टवेयर एक टेक्नोलॉजी वर्ड है या फिर कहे इंग्लिश वर्ड है, और इसका हिंदी में एक्चुअल मतलब होता है क्रमानुदेश। तो यार देखो, नाम से तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई एक छोटा मोटा देश होगा क्रमानुदेश, लेकिन इसका जो मतलब है वो होता है सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर का एक्चुअल में हिंदी में मतलब होता है क्रमानुदेश। अजीब है थोड़ा सा, लेकिन ये सच है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आज के समय में कुछ भी काम नहीं होता, जिसका नाम है कंप्यूटर। तो चलिए ये जानते हैं इसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब क्या होता है, शायद आप इसका नाम सही से भी ना ले पाओ। तो कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी वर्ड है और इसे हम बेसिकली कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी में मतलब है वो है संगणक। थोड़ा सा नाम प्रोनाउंस करने में मुश्किल लगता है। तो आपने देखा कंप्यूटर का हिंदी में क्या मतलब होता है, संगणक। मतलब नाम प्रोनाउंस करने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि पूछो मत, लेकिन एक्चुअल में यही मतलब होता है इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो हम अपनी डेली लाइफ पे करते हैं, यानी रोजाना करते हैं, क्या करते हैं ऐसा सोचो, दिमाग लगाओ, इंटरनेट से रिलेटेड है। अरे भैया चैट, यार चैट आप रोजाना करते हो किसी ना किसी से, तो चैट अगर मैं आपसे कहूँ तो आप समझ जाओगे हाँ चैटिंग का क्या मतलब होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में हिंदी में क्या मतलब होता है क्या आपको पता है, शायद नहीं पता होगा। तो चैट का हिंदी में मतलब होता है बकवास करना या फिर बातचीत करना। इसके बाद जो अगला वर्ड आता है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसका नाम है लैपटॉप। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूंगा लैपटॉप तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई लैपटॉप ऐसा होता है, और आप समझ जाओगे कि लैपटॉप क्या होता है, लेकिन इसका हिंदी मतलब जान के आप सभी लोग हैरान रह जाओगे और शायद हंसोगे भी। तो लैपटॉप का नाम तो सभी लोग जानते ही हैं कि ये लैपटॉप क्या होता है और ये किस तरह दिखता है, लेकिन इसका एक्चुअल में हिंदी में मतलब होता है छोटा गणक। चलिए दोस्तों, लैपटॉप को हिंदी में छोटा गणक कहते हैं। तो अगली बार जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदोगे या फिर पापा से परमिशन लोगे तो पापा से बोलना पापा मुझे एक छोटा गणक चाहिए, तो पापा बोलेंगे छोटा गणक क्या होता है, तो उनसे बोला लैपटॉप, बस उसके बाद जो आपको प्रसाद मिलेगा उससे आप खुश हो जाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। जी दोस्तों, टेक्नोलॉजी को बोलना कितना आसान है, कितनी आसानी से आप इसे बोल सकते हो, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है शायद आप उसे अच्छे से ना बोल पाओ। जी दोस्तों, टेक्नोलॉजी का हिंदी में मतलब होता है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब देखो कितना मुश्किल है, शायद आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाओ। तो भैया हमारे लिए टेक्नोलॉजी वर्ड ही काफी अच्छा है, हम टेक्नोलॉजी ही बोलेंगे, प्रौद्योगिकी हम नहीं बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो आपके घर में जरूर होगा और आपने जरूर देखा होगा, जिसका नाम है टीवी या फिर कहें टेलीविजन। जी दोस्तों, आपको पता ही होगा टीवी क्या होता है, टेलीविजन क्या होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है वो होता है दूरदर्शन या फिर कहें चित्रपटल। मतलब दूरदर्शन तो ठीक है यार, चित्रपटल तो आगे से भैया चित्रपटल ही याद रखना, टेलीविजन या टीवी मत कहना। कोई भी फ्रेंड को बोलो भैया क्या कर रहे हो, बोल देना मैं तो चित्रपटल देख रहा हूँ, बस समझ जाएगा वो क्या देख रहा है। तो टेलीविजन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जिसका नाम है सोशल मीडिया। जी दोस्तों, आज के समय में सभी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हो गया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
चैटिंग वगैरह जो भी आप सोशल मीडिया पे करते हो। तो सोशल मीडिया का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है वो होता है सामाजिक माध्यम। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा और शायद आपको इसका इस्तेमाल भी जरूर पता होगा, जिसका नाम है प्रिंटर। दोस्तों प्रिंटर का इस्तेमाल बेसिकली हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम से कुछ भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे प्रिंटर कहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है वो थोड़ा सा फनी है, जिसका नाम है मुद्रक। जी दोस्तों प्रिंटर को हम बेसिकली हिंदी में मुद्रक भी कहते हैं। यहाँ पर मुद्रा की बात नहीं कर रहा, मुद्रा मतलब होता है पैसा और यहाँ पर प्रिंटर का मतलब है मुद्रक। तो मुद्रा और मुद्रक में डिफरेंस कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो शायद अभी आपके हाथ में होगा और जिसके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते, सोचो ऐसा क्या है? मोबाइल फ़ोन। भाई आपके हाथ में अभी होगा। जी दोस्तों मोबाइल फ़ोन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल फ़ोन क्या होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल हिंदी मतलब थोड़ा सा फनी है और थोड़ा सा जान के आप लोग हैरान भी रह जाओगे। तो मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल हिंदी में मतलब होता है चल दूरभाष। चलो दोस्तों अगर आप किसी से कहोगे भैया चल दूरभाष दे दे, तो वो सोचेगा भैया चल दूरभाष, चल का मतलब चलना, दूर का मतलब दूर, भाष का मतलब भग जाओ, ऐसे ही कुछ सोचेगा, लेकिन इसका जो मतलब होता है वो होता है मोबाइल फ़ोन। तो आगे से अगर आपसे कोई पूछे कि मोबाइल फ़ोन का एक्चुअल हिंदी में क्या मतलब होता है तो आप उससे कहना चल दूरभाष, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई इसको पता है। तो यार ये थे कुछ टेक्नोलॉजी के वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और उनका नाम हमें बस इंग्लिश में ही पता है, उनका एक्चुअल नाम पता है, लेकिन उनका जो हिंदी में मतलब किसी को नहीं पता। आई होप अब आपको पता चल गया होगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और कुछ जानने को मिला तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर ज़रूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।